हम कांग्रेस के साथ ये कहते हैं जितनी बार बुलावा आएगा जाएंगे, हम संविधान को सम्मान करते हैं। सवाल ये है कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो राहुल जी को 5 दिन लगातार पूछे गए और सोनिया जी को आज 3रे दिन, उस सवालों का लिस्ट तो भारत के लोगों को बताया जाए। और हम तो ये भी चाहते हैं कि एक बार लाइव कर दो ना, टीवी मीडिया के जितने भी लोग हैं उनको बुलाकर राहुल जी और सोनिया जी के साथ लाइव ईडी पूछताछ कर ले, पता चले कि कुछ सवाल है कि फिर एक दिखावा है मोदी और शाह को खुश करने के लिए, उनके आकाओं को खुश करने के लिए ईडी खुद इस प्रकार की जो प्रताड़ित तरीके से उनको बार बार बुलाती है। एक बात देखने लायक जो ये है कि 75 साल की उम्र, कोरोना से अभी अभी निकले हैं, फिर भी मैं सोनिया जी को कहता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं, और हमको फक्र होता है कि हमारी नेता ऐसी है कि इस उम्र में कोरोना से ग्रसित होने के बावजूद भी वो ईडी ऑफिस घंटों तक बैठकर उनके सवालों को जवाब दे रही। और सवाल भी किस बात का है, कांग्रेस पार्टी हमारी, अखबार हमारा, कंपनी हमारी, हमारी ही पार्टी हमारे अखबार को हमारी कंपनी को पैसा दे रहा है, मोदी और शाह को मिर्ची कहां लग रही है? मिर्ची लगनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि उनको आजादी के जंग में जो अखबार आवाज था इस देश की, उससे दिक्कत है, उनको अखबार से दिक्कत है। स्मृति ईरानी की बेटी का बीफ का रेस्टोरेंट और बियर बार से प्रॉब्लम नहीं है, ये कहते हैं बियर बार चलेगा, हम कहते हैं अखबार चलेगा। तो ये जो सोच में जो फर्क है, हम लगातार तैयार है कांग्रेस के कार्यकर्ता